हेलो एवरीवन, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आरके पाल आपके अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूँ। जैसे कि बिहार में बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी कैंडिडेट जो सीटेट स्टेट क्वालिफाइड करके और इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज शिक्षा मंत्री ने एक अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। जो भी वेट कर रहे थे बहाली के लिए, जो चूँकि 2019 में बहाली हुआ था, उसके बाद से अभी तक जो स्टेट और सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो अभी तक वेट कर रहे थे कि अब बहाली आता है, अब बहाली आता है, अब बहाली आता है। तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अब जल्द सातवां चरण की नियुक्ति होने जा रहा है। जल्दी सातवां चरण की नियुक्ति होने जा रहा है। वर्ष 2023 में कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी और सारी मेगा सूची योग्यता और शिक्षा पत्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। यानी जो बहाली होगा वो DM के नेतृत्व में होगा और उनका जो मेगा सूची यानी एकेडमिक जो है वो, और फिर आपका सीटेट या स्टेट जो भी है वो सारी चीज़ को दोनों का नंबर इंक्लूड करके फिर मेगा सूची बनाया जाएगा। उसके बाद से फिर जिला प्रशासन यानी DM कलेक्टर के नेतृत्व में उनके अगुवाई में क्या होगा, बहाली होगा। इन्होंने आज ट्वीट किया है और फिर बताया था कि पहले 9000 इकाई थी, जैसे 2009 में जो हुआ था वो पहले 9000 की रेंज में इकाइयाँ थी जिसमें नियुक्ति पत्र बांटा गया था, लेकिन अब ये क्या हो गया, 38 इकाई में नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा। लेकिन अब जैसे बिहार में 38 ज़िले हैं तो 38 ज़िलों में एक एक इकाइयाँ बनेंगी और उसी में सेंट्रलाइज तरीके से यानी ऑनलाइन सारी फॉर्म लिए जाएंगे, ऑनलाइन सारे प्रोसेस होंगे। यानी अगर ऑनलाइन सब चीज़ होता है, सेंट्रलाइज तरीके से होता है, तो इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेंगी। और इससे एक और फ़ायदा होगा, 38 इकाई बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रांसफ़र के लिए जिनका सेंटर दूर होता था, स्कूल जो दूर होता था, वो ट्रांसफ़र के लिए दर पदर भटकते रहते थे, उनको अब अपने ही ज़िले में आसानी से जॉब वो प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से उनको जॉब मिल जाएगा। तो ऐसे तो शिक्षा मंत्री ये बयान अच्छा ही दिए हैं और ये अच्छा ही न्यूज है, गुड न्यूज है, बट ये अपने बातों पर अमल करे तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही करते करते लगभग 4 साल होने जा रहा है और 4 साल से ये हम लोग सुनते ही आ रहे हैं। अब सुनते सुनते कान पक गया कि हाँ अब आएंगे। लेकिन फाइनली अब लग रहा है कि हाँ अब बहाली आ जाएगी, अब 7 चरण स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये है कि पहले उच्च माध्यमिक होगा, फिर उसके बाद से माध्यमिक और प्राइमरी का नोटिफिकेशन आएगा, जैसे इन्होंने पहले ही बता चुका है। तो यही गुड न्यूज़ था इस वीडियो में। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें और धैर्य रखें। मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी, घबराए नहीं और बिलीव रखें, जरूर ही बहुत ही जल्द आपको ये नियमावली पे मोहर लग जाएगा। और नियमावली फरवरी के अंत तक, इन्होंने बोला है कि फरवरी के अंत तक नियमावली भी आपकी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी वेट कर रहे हैं उन्हें कम से कम संतुष्टि मिले, सेटिस्फाइड हो जाएं और अब माइंड से स्ट्रेस थोड़ा सा हटा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के लिए, 7th फेज से जानकारी के लिए या सीटेट की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।